धे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। जम्मू के कठुआ जिले के घाटी क्षेत्र में 42 करोड़ रुपए की राशि से तैयार उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का लोकार्पण आज पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। बायोटेक पार्क को देश को समर्पित करने के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इसके अलावा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अरविंद सूद, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन, सचिव भारत सरकार बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर राजेश गोखली, सचिव साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर एस चंद्रशेखर, सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर रवि चंद्रशेखर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। जम्मू कश्मीर में केंद्र की ओर से कठुआ के घाटी और कश्मीर के हंदवाड़ा में बायोटेक पार्क स्वीकृत किया गया था। कठुआ में बायोटेक पार्क बनकर तैयार हो गया है और इसी के साथ यह उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क होगा जहां शोध कार्य अंजाम दिए जाएंगे। प्रदेश भर से कृषि उद्यमी अपने उत्पादों को लेकर शोध कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली प्राकृतिक जड़ी बूटियों से लेकर लेवेंडर तक शोध होंगे जो किसानों की आय को दोगुना करने का काम करेंगे। इसके जरिए कठुआ जिला ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार करने की भी योजना है। जम्मू कश्मीर हिमाचल और पंजाब को बायोटेक पार्क का लाभ मिलेगा। औषधीय गुणों वाली वनस्पति पर अध्ययन होने से रोजगार के अवसर निकलेंगे। बायोटेक पार्क पर हुए खर्च में 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 10% जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से की गई है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा जिले के भद्रवाह को भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान बताया है। लेवेंडर ने जम्मू और कश्मीर में किसानों की किस्मत बदल दी है। अरोमा मिशन या पर्पल रिवॉल्यूशन केंद्र सरकार की एक पहल है जो केंद्र शासित प्रदेश के किसान समुदाय के जीवन को बदलने की दिशा में है। बैगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। मिशन का उद्देश्य आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। अब बारी आज के सवाल की। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसे 5-6 सबसे प्रमुख तरीके कौन से हो सकते हैं जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटन और अन्य जो क्षेत्र हैं उनका बहुआयामी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। आप एक पॉलिसी मेकर के रूप में क्या सजेशन देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।